हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते काफी सही होंगे। और मैं राहुल द्वाज, जो कि फिटनेस वाला ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं रोड़ीज वालों के लिए। रोड़ीज बनोगे तो मैं बस आज कुछ बताने वाला हूँ, जो कि अभी दिल्ली, चंडीगढ़, हैदराबाद में ऑडिशन हो चुकी है। एंड अगर बात हम करें तो ऑडिशन अभी बाकी है पुणे। तो पुणे वाले तैयार हो जाओ, मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिल्ली गया था ऑडिशन देने के लिए और मेरा GD क्लियर भी हुआ था। तो कैसे मैंने क्लियर किया, फर्स्ट टाइम मेरा था और फर्स्ट टाइम में मेरा जीडी क्लियर हुआ। तो चलो आज मैं बताता हूँ कि किस तरीके से फर्स्ट टाइम वाले अपने जीडी क्लियर कर सकते। तो आप लोग ये वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तब आपको समझ में आने वाला है। अगर आप स्किप कीजिएगा तो भाई साहब आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलो सबसे पहले तो जो न्यू आया है वो तो पहले सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले, क्योंकि रोड़ी से जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे मैं सारे इस अपने चैनल पे डालते जाऊंगा और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते जाऊंगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ काफी ये चैनल आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है और ये वीडियो आप लोगों के लिए, पुणे वालों के लिए काफी हेल्प होने वाला है। तो जैसे कि मैंने गया था नोएडा, जो कि बोला गया दिल्ली में ऑडिशन होगा, बट ऑडिशन जो हुआ वो नोएडा में हुआ। ठीक है, आप लोगों के माइंड में चल रहा हो कि आपने फर्स्ट में कैसे जीडी क्लियर किया, सारे लोगों वही क्वेश्चन होगा। तो मैं इससे पहले कुछ चीज बता देना चाहता हूँ, जिस जिसको ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा शो करके आ रखा है कोई जो है ऑडिशन में लेंगे, वही PI में जाएगा, वही सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं, कसम से कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं। एंड क्योंकि मैं अपने आंखों से देख चुका हूँ ऐसा कुछ भी नहीं। अब जैसे मैं बात करूँ सिंघा, सारे लोग जानते होंगे उसे, पावर लिफ्टिंग वाले को सिंघा, जो की काफी ज्यादा पॉपुलर बंदा है, मिलियन प्लस फॉलोवर्स है इंस्टा पे उसका, वो भी लाइन लगा हुआ था। मन्नू चौधरी पावर लिफ्टिंग है, एशियन का काफी चैंपियन बन चुका है, वो चैंपियन बना हुआ है, जो कि वो दिल्ली से है, रोहिणी से, काफी मोस्ट पॉपुलर बंदा है वो, उसे भी लाइन लगना पड़ा, सारे लोग साथ में थे। उसके बाद फिर हम बात करें चमन वर्मा, पहचानते हो, जो हवा में बात करता है, हवा में दौड़ लगाता है। ठीक है, तो काफी बंदे से मैंने मिला, काफी अच्छा अच्छा बंदे मिला और काफी मेरे को अच्छे लगा यार। और सबसे पहले तो नवीन भाई को थैंक्स मैं बोलना चाहता हूँ, नवीन भाई हर जगह हर किसी को सपोर्ट दिखाया है। तो चलो मेन टॉपिक पे बात करते हैं, अच्छे अच्छे लोग तो मिले ही, नॉलेज होते हैं। देखो गेम अगर खेलना भाई तो माइंड से खेलना, बॉडी बिल्डर हर कोई जाता है लेकिन जीतता कौन है वो देखो। रोड़ीज को ऑल एपिसोड ऑल सीजन तुम देखो, कितने बॉडी बिल्डर जीते भाई, मेरे ख्याल से जहां तक मेरे को मालूम है एक बंदे जीते हैं, बस यही जीते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सिर्फ फिजिकली फिट होना सही नहीं है, मेंटली फिट होना काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मेंटली फिट रहो, क्योंकि फर्स्ट जीडी में आपको टास्क नहीं दिया जाएगा, और दिया भी जाएगा तो बहुत नॉर्मल, जो कि आप कर लोगे। ठीक है, निकालना आपको जीडी कैसे है फर्स्ट बार में, जो पहले पहले जा रहे हैं किस तरीके से निकालना है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपको, क्यों ले आप हो क्या, आप क्या रोड़ीज को दे सकते हो, रोड़ीज को क्या फायदा है। ऑब्वियसली बात है यार, मुझे कौन जानता है, आप जानते हो नहीं ना, आपको कौन जानता है, मैं जानता हूं नहीं, तो नहीं जानते हो ना, तो फिर ये सोचो ना, ऐसे में वहां पे आप अपना पॉइंट रख सकते हो। एक्चुअली मेरा एक पॉइंट ये था कि मैं छोटे गांव से हूं और मेरा जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं पॉपुलर बंदा हूं। एक्चुअली मैं स्टूडेंट हूं जो कि कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ 15,000 स्टूडेंट के साथ में बीच में, एंड यूट्यूब चैनल पे भी कुछ लोग हैं जुड़े हुए मेरे से, सर समझ सकते हो आप, कहीं ना कहीं तो जो ऑडियंस है मेरे ऑडियंस वो सीधा उधर जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि राहुल वहां पहुंचा है न्यू प्लेटफॉर्म पे, TV पे, जो कि गांव में आपको भी पता होगा कि MTV कौन जानता है, रोड़ीज कौन जानता है, क्या होता है, मेरे घर वाले नहीं जानते क्या होता है इसमें, नहीं जानते, ऑब्वियसली बात है नहीं जानते। मैंने उसे समझाया अच्छे तरीके से, तब जाकर वो समझे, फिर उसने मेरे को इस तरीके से मिश्रण करना पड़ा, तब मैं जाकर सेलेक्ट हुआ। तो सब लोग अपना अपना ये सोचो कि किस तरीके से मुझे बोलना है। एक्चुअली वो 30 सेकेंड टाइम देंगे, 30 सेकेंड से ज्यादा टाइम नहीं देंगे, 30 सेकेंड में अगर बोला तो सही है, 30 सेकंड कंटिन्यू बोलते जाओ कंटिन्यू, क्योंकि देखना कभी लड़ाई होगा ना रोड़ी जी, बंदे क्या बीच में रुकते हैं, नहीं ना रुकते हैं,
वो बोलते जाते चढ़ जाते एकदम। तो उसी तरीके से वो चाहते हैं, ठीक है, बंदा बीच में रुकना नहीं चाहिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई नर्वस नहीं, ठीक है, चील होकर जाओ और रिलैक्स फील करो, ठीक है, और उसके बाद फिर जाओ तो फाड़ के आ, फर्स्ट बार में निकालो साला, क्यों नहीं निकलेगा, कौन जाएगा, हम नहीं तो कौन वे, कोई नहीं यार, ट्राई तो मैं भी करूंगा, क्योंकि मैं भी बाहर आ रखा हूँ, जीडी मेरा क्लियर हुआ था फर्स्ट, सेकेंड में मैं वापस आ गया, कोई नहीं, फिर से जाऊंगा, फिर ट्राई करूंगा, हुआ तो सही नहीं, फिर ट्राई करूंगा, जाऊंगा रोडीज में, जाऊंगा मैं भी अपना नाम बनाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग भी ये देखो, एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बहुत घुमा कर क्वेश्चन है, इस तरीके से घुमा कर ना कि फंस जाओगे, घंटे आधे घंटे लग जाएंगे वो फॉर्म भरने में। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपसे, ये पूछा जाएगा, क्या आपने किसी को धोखा दिया है या आपने धोखा खाया है। मैंने एक धोखा खाया है, मैंने लिखा यस, जीएफ से, दोस्त से। दूसरी क्वेश्चन में था, आप अपने को कितना फीडबैक दे सकते हो, फीडबैक, मोरल, इंटरटेनमेंट, फिटनेस, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन थे, तो मैंने इंटरटेनमेंट 8, फिटनेस 10, मोरल 9, इस तरीके से। एंड उसके बाद जो क्वेश्चन था कि अगर एक दिन के लिए लॉ डिसमिस कर दिया जाए, यानी कि एक दिन के लिए कानून डिसमिस कर दिया जाए, तो आप क्या करोगे। मैं क्या करूंगा, वो मैंने क्या लिखा है मुझे पता है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, आप उसका रिप्लाई अभी से ही देख कर रखो, ढूंढो कि आप क्या करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और भी है कि आपने किसी को मारा है, वो बच्चे हो, आपका बैचमेट हो, वो आपका सीनियर हो या आपका सीनियर सिटीजन हो, आपने किसी के ऊपर हाथ उठाया है। मैंने मारा है, मैं उसके घर पे चढ़ के मारा है, मैंने लिख दिया मैंने मारा है, ऑब्वियसली बात है जो है वो लिखो। लेकिन एक चीज और, जो लिख रहे हो अगर सिलेक्शन होता है बेटे, तो आपको पीआई में फटेगा, पूरा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए वही आंसर देना जो तुम्हें आता हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी था, एक आप डार्क सीक्रेट बताओ, वो नहीं मैं बताने वाला हूं मेरा डार्क सीक्रेट क्या है, मैंने क्या लिखा था, वो आप लोग अपना अपना भी देख लो डार्क सीक्रेट क्या लिखना है। जो उसके बाद क्वेश्चन था, एक आप अचीवमेंट बताओ, एक नहीं मतलब आप अचीवमेंट बताओ, एंड उसके साथ में था कि आप ऐसे क्या निगेटिव काम किया जिसके कारण आपको पछतावा होना पड़ा, जैसे होता है ना कि मैंने कोई ऐसा काम किया जिंदगी में जिसके कारण मेरे को बहुत पछतावा हुआ, मैंने जो भी लिखा है, बट छोड़ो आप अपना देखो, ठीक है। सो दोस्तों, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपने एक एक टॉपिक अच्छे तरीके से समझे होंगे और एक एक टॉपिक अच्छे तरीके से सुने होंगे, तो जिस जिस का ऑडिशन निकलता है, जो भी फोड़ कर आने वाले हो, वो मेरे को मैसेज करो, ठीक है, इंस्टा पे, यहाँ मेरा हो गया है, आपका वीडियो देखा, कहीं ना कहीं मेरे को सीखने को मिला कुछ ना कुछ, आप मेरे को कमेंट भी कर बता सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना वीडियो इधर ही खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।